आपका क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या दिया है, -3/2√5, -1/2। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिसमें इसमें क्या दे रखा है, सम। दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका सम है और सेकंड वाला आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर होता है आपका सम ऑफ जीरोस, एक्स प्लस यहां पर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यू डालो, देखो क्या आ रहा है, तो यहां पर आपका आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इज -3/2√5। तो यहां पर लिखना है आपको -3/2√5x प्लस प्रोडक्ट इज -1/2, तो -1/2 इसको सॉल्व करो, तो देखो आपका क्या आ रहा है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस 3/2√5x प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1/2। तो ये जो इक्वेशन आया, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, नेक्स्ट फाइंड द जीरोस, उसका मतलब क्या है, ये जो ब्रैकेट में है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो तभी हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2√5x -1/2 दैट इज इक्वल टू जीरो। ये देखो नीचे p/q फॉर्म में है, तो यह वी विल टेक द एलसीएम, तो 2 और 2√5 का एलसीएम क्या आएगा, 2√5 इज द एलसीएम, 2√5 इज द एलसीएम। तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 इज देयर, तो 2√5 1 में कितने टाइम जाएगा, 2√5 टाइम्स, तो इंटू एक्स स्क्वायर इज 2√5x2, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2√5x2 प्लस 2√5 में 1 टाइम्स, तो 1 × 3 इज 3x माइनस 2√5, 2 में कितना टाइम जाएगा, √5 टाइम्स, है ना, 2 और 2 देखो गायब हो गया, ओनली √5, तो यहां पर √5 × 1 इज √5 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये 2√5 × 0 इज 0, तो आपका इक्वेशन सिर्फ ओनली न्यूमरेटर है। ठीक है, तो क्या है आपका 2√5x2 प्लस 3x − √5 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, a इंटू सी, तो a आपका दिस है, c इज दिस, मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ जाएगा, 2√5 × √5 इज 5, तो 2 × 5 इज 10, 10 के फैक्टर्स निकालने, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 5। अब आपको 2 × 5 से 3 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 को पॉजिटिव लेंगे, 2 को नेगेटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका लाइक दिस, -2 + 5 इज 3,
तो आपको मिडिल टर्म लिखना है ये वाले फॉर्म में। तो देखो क्या आ रहा है आपका, टू रूट फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस रूट फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2x इज कॉमन, तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा, रूट फाइव एक्स माइनस वन। ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है, रूट फाइव इज कॉमन, है ना, क्योंकि रूट फाइव इंटू रूट फाइव इज फाइव, तो रूट फाइव इज कॉमन, तो यहां पर आपका आ जाएगा रूट फाइव इज कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, रूट फाइव एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया है, तो एक ब्रैकेट वाला लेना है, एक बार वाला लेना है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ब्रैकेट वाला क्या है, रूट फाइव एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, और बाहर वाला क्या है, टू एक्स प्लस रूट फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अब रूट फाइव एक्स क्या होगा आपका, माइनस वन राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो यहां पर आ जाएगा रूट फाइव एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वी कैन से वन बाई रूट फाइव। ठीक है, यहां पर टू एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, तो ये वन बाय रूट फाइव आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसने जीरोस पूछा है, और अदरवाइज आप रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो आपका हो जाएगा वन इंटू रूट फाइव बाई रूट फाइव इंटू रूट फाइव दैट इज इक्वल टू रूट फाइव बाई फाइव। तो आप या तो वैल्यू ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों सेम है, और सेकंड वैल्यू इज दिस माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है।